छोड़ेगा कि आप अभी आपको हम खड़ा होने बोले हैं, आपको हम खड़ा होने बोले हैं, आपको बोले हैं खड़ा होने, बड़ी बड़ी आपको बार बार आग्रह किया गया कि आप बैठिए, हम बुलवाते हैं फिर आपको बोलने के लिए देते हैं, आप खड़ा हो जाइए। इसको इसको थोड़ा इसको आसन के तरफ से थोड़ा स्पष्ट कर दिया जाए क्या, अगर अगर यदि आप हम लोग को समय देंगे तो मेरा ये आग्रह होगा, अगर यदि मुझे तो मेरे एक सदस्य पहले बोलेंगे, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो भी बोल रहे हैं पार्टी की तरफ से बोले, उसके बाद शेष की तरफ मैं बोलूंगा, उसके बाद सरकार का उत्तर होगा, अगर यदि आप ये करते हैं जो भी हम लोग को देना है, और नहीं तो आप ऐसा करें कि बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा, मेरा आग्रह है आसन आप सर्वोपरि है, आप उधर से बोल दिए ताकि वाद विवाद में हम लोग कुछ बोल सके, नहीं तो हम एक बार बोल देंगे बैठ जाएंगे, उसके बाद लगातार आप कांग्रेस बोलेंगे, अमर बाबू झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलेंगे। अमर बाबू हमको लगता है कि अनावश्यक बात हो रहा है, आप आवश्यक बात पर महोदय वाद विवाद आवश्यक बात पर आइए, नहीं महोदय वाद विवाद फिर कहाँ हो रहा है, ठीक है आपका बात मैंने सुन लिया, हम प्रयास करते हैं बातों को रखने के लिए, आप आपका बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, आप बोलिए बोलना पड़ेगा, आप इस चीज को बोल दें जो आप करेंगे तो मैं एक प्रस्ताव का नाम दे रहा हूँ, आप मेरी तरफ से एक बोलने के लिए मौका दीजिए, लाखवे में बोल दूंगा उधर से होने के बाद, उसके बाद सरकार का उत्तर हो जाए, सरकार का उत्तर हो जाए उसके बाद, नहीं देखिए महोदय सुनो जी आप लोग बढ़िए, ये ऐसे ही आचरण करेंगे, हमारे विपक्ष के साथी तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा आचरण कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं, खैर उससे कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है ना इनके पास कोई एजेंडा है, उन्होंने कहा कि भाई मंत्री परिषद पर विश्वास का प्रस्ताव पेश करता हूं, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री खुद में पूरे मंत्री परिषद के दायित्व को समाहित करता है, लेकिन आप एक घंटे के बाद अभी मंत्री परिषद के विस्तार के लिए जाने वाले, अगर बेहतर होता कि आप मंत्री परिषद के सारे लोगों के साथ यहाँ बैठते और अपने पूरे मंत्री परिषद पर आप विश्वास प्रकट करने के लिए यहां मत रहते, ये आपका विशेषाधिकार था और आपने उसका प्रयोग किया, लेकिन इसका मैसेज यही किया है कि आप अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे, सभी के मन में ये उत्तरार्ध में दो महीने में मंत्री बनने की लालसा है, और मंत्री बनने की लालसा इतनी प्रकट है कि आपने सबको एक लॉलीपॉप पकड़ा के रखा है कि हम सबको मंत्री बनाएंगे, ये सरकार की बुनियाद ही धोखे से हुई है, ये सरकार ने अपना घोषणा पत्र में ही धोखा लिखा है, इस सरकार ने जो 2019 में अपने लिए बहुमत हासिल किया, इस सरकार का एक प्रबल नारा था, वो था प्रत्येक बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार देना, नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना, और नौकरी ना मिले तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता देना, ये सरकार का एक बहुत बड़ा युवाओं को ठगने के लिए एक ऐसा जाल था, एक ऐसा ट्रेप था जो इन्होंने प्रयोग में लाया, उससे दो कदम आगे बढ़ करके हेमंत जी ने एक और विषय कहा था, हेमंत जी ने कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊं तो राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा, मैं नहीं कह रहा, कई एक वीडियोज पूरे देश झारखंड में वायरल है, आप वहां कह करके आप सरकार में सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद ये चाहे सहायक पुलिसकर्मी जो अभी यहां तक पहुंचे हुए हैं, आप आ रहे होंगे तो देखे होंगे, इन सहायक पुलिसकर्मियों को भी आपने कहा था कि हम आएंगे तो इनको भी हम परमानेंट करके इनके सैलरी और बाकी डीएटीए सब बढ़ा लें, हद तो तब हो गई जब आपके मंत्री और आप लोगों ने ऐसा घोषणा करके माला पहन लिया, मिठाइयां खा ली, और मिठाइयां माला खाने के बाद भी आज जब आप उत्तरार्ध में हैं, आप जाने वाले हैं, तब भी वो वहां बैठ करके अपने उसी मांग के लिए आज भी अपने बाल बच्चे के साथ यहाँ ठग करके यहाँ पहुंचे हुए, तो मैंने कहा कि ये सरकार ठग करके ही सरकार सत्ता में आई है, और ठग करके ही इन्होंने 5 साल ये सत्ता चलाई है, जब जब युवाओं का आक्रोश बढ़ा, जब जब महिलाओं का आक्रोश बढ़ा, फिर कोई ठगने की नई स्कीम लेकर के आप चले, आप कहें कि भाई
इस बार हम आएंगे तो 1,00,000 रुपये 1 जुलाई को दे देंगे, खटाखट खटाखट 8,500 रुपया दे देंगे। ऐसा कहकर के आपने चुनाव में जाने का वायदा किया और चुनाव में गए, 1 जुलाई भी पार हो गई, किसी को एक पैसा नहीं मिला। अभी आप कह रहे हैं 1,00,000 दे करके भाई इतना देंगे। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण तो आप लोग नहीं सुनिएगा चलेगा, मान्य जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश ने लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र में इन्हीं को दफन कर दिया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सभी आदरणीय सम्मानित विधायकों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करूंगा। आदरणीय चंपा सोरेन जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि विगत 5 महीनों में उन्होंने बिल्कुल निर्भीक निडर होकर सत्ता को भी चलाया, सरकार को भी बचाया। जिस योजना का ये ढिंडोरा पीटते हैं, बूढ़े बूढ़ियों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है, जिन अन्य योजना का आप ढिंडोरा पीटते हो, 11 महीने 12 महीने से ग्रीन कार्ड होल्डरों को अन्न नहीं मिला है, कितना ठगिएगा महाराज। जो परीक्षाएं आपने ली वो परीक्षाएं एक भी परीक्षाएं फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, सब में कदाचार के आरोप लगे। जेएसएससी सीजीएल के जितनी एग्जामिनेशन हुए सारे एग्जामिनेशन उनमें कदाचार का आरोप लगा। पीजीटी के अभ्यर्थी आज सड़क पर है, उन्होंने बकायदा पूरे उदाहरण के साथ दिखाया है कि किस तरह से सेटवेट इन्फोटेक जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट किया है, उस सेटवेट इन्फोटेक को जैसे सीजीएल के एग्जाम में गड़बड़ी के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया, उसने ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराया। बाकी राज्यों में वो ब्लैकलिस्टेड है, आपने ब्लैकलिस्ट कराया और उसी से एग्जाम भी ले रहे हैं। आपने जेई के एग्जाम में एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर आगे नहीं बढ़ा, एक गिरफ्तारी के बाद उसका जो है वो परीक्षा रद्द हुई लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचा। सीजीएल में जो गड़बड़ियां हुई उसके लिए एसआईटी का गठन हुआ, विधानसभा के 2 स्टाफ पकड़े गए लेकिन उस एसआईटी का जांच का कोई नतीजा नहीं पहुंचा। और अभी पीजीटी का मामला, ये पूरे मामले जो हम लोग देख रहे हैं, युवाओं को पहले तो 5 लाख नौकरी तो बहुत दूर की बात है, जो 500,000 जो नौकरियां आप देने के लिए आगे बढ़े वो भी नौकरी देने के नाम पर नौकरियों को बेचा गया, सारे नौकरियों को आपने बेच दिया, सारे एग्जामिनेशन आपने बेच करके जैसे सीजीएल के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, बावजूद इसके भी आपने उस जांच को पूरी तरह से एकदम ठंडे बस्ते में रख दिया। क्योंकि इसकी सीधी आज आप तक पहुंचने वाली थी, सरकार तक पहुंचने वाली थी, ये सीधी आज आप तक पहुंचने वाली थी, आपने उसका कोई ध्यान नहीं लगाया। कई एक अनुबंध कर्मी वो चाहे पोषण सखी हो चाहे और सहिया कर्मचारी हो, वो सारे लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अब पारा शिक्षक भी जिनसे आपने मालाएं पहनी वो भी आज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। महोदय इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठगबंधन सरकार थी जो ठग करके सरकार बनाई और वायदा खिलाफी करके आज सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से खरीद फरोख्त और ऑपरेशन लोटस का सहारा लेकर धन बल लेकर ये सड़कों पर घूमते हैं और उन पर नजर ईडी सीबीआई नहीं पड़ती, इनको सिर्फ विपक्षों पर पड़ती है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए लोग अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन संस्थाओं से सीधे तौर पर संपर्क रखते हैं अध्यक्ष।
राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय वो भी निपटेंगे। सभी के बारे में बहुत अच्छा खासा हमने अनुभव ले लिया है, अब इनकी एक दाल भी नहीं गलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।